अब आ रही है, अब वॉल्यूम आ रही है, सबको वॉल्यूम आ रही है अब। ओके ओके, महिमा रोज आया कर, 3 4 दिन, अब 3 दिन अब सेंड कर दी, रोज आया कर, रोज देखा कर, बड़ा हेल्पफुल होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल क्लासरूम जैसा माहौल बना के पढ़ाने का, है ना। उत्तम, तुम भी, सावन तुम भी, सब लोग। आर्यन है, चलो पिछला क्लास वाला मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, फिर मैं आगे आज न्यूमेरिकल कराऊंगा बहुत ज्यादा। चले, ओके ओके ओके। देखिए पिछला क्लास में मैंने क्या बताया था कि वेपर प्रेशर अगर सॉल्यूशन का निकालना है तो ये रॉड्स लॉ ने एक डेरिवेशन दिया था, और वो डेरिवेशन हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया उस। और ये डेरिवेशन किसके लिए निकाले थे कि जब सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उस केस में जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे, जहां पे पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और मोल एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। एक तो ये पढ़ा था, हाँ हाँ ठीक है। आर्यन तुम्हारा सीनियर है अमन, पिछले इस साल वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सब लोग को, गुड आफ्टरनून। अब देखे यहाँ पे, एक तो हमने ये पढ़ा था रॉल्स लॉ में, और एक हमने पढ़ा था डाल्टन्स लॉ। और डाल्टन्स लॉ में भी क्या पढ़ा था कि डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर। अब आपको यहीं पे एक बात मैं बता देता हूं, यहां तो वीडियो लोड नहीं हो रहा है, हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखो, नेट थोड़ा स्लो चल रहा होगा, पेशेंस रख, हो जाएगा। अब यहां पे एक बात देखें कि यहां पे जो मोल फ्रैक्शन है वो किस फेज में निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन है किस फेज में, वेपर फेज में। और रॉल्स लॉ का में जो मोल फ्रैक्शन है वो किस फेज में है, ये लिक्विड फेज में। तो दोनों में बड़ा फर्क है, इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो मोल फ्रैक्शन किस स्टेट में बताता है, वेपर फेज में, और यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है वो किस स्टेट में बताता है, जब सॉल्यूशन लिक्विड मिक्सचर में। इसी से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम भी करेंगे आज। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक और स्टडी करते हैं, फिर जाके काफी सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का एक टॉपिक है वो है डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए आज का एक टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आपसे अगर एक बात पूछी जाए, कल हमने एक टॉपिक और भी पढ़ा था, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, आरएलवीपी, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, जो कितने के बराबर था, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, और ये किसके बराबर था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये भी कल हमने स्टडी करा था। तो आज मैं उसी का एक एप्लीकेशन बना रहा हूं कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का एक एप्लीकेशन क्या है, कि आप इसके मदद से जो सॉल्यूट को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं उस सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है, तो ये तो एप्लीकेशन हो गया रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का। जिन्होंने नहीं पढ़ा रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, वो पिछला क्लास का वीडियो लेक्चर देखे, उसमें मैंने डिटेल समझाया इसको। तो आज मैं उसका एक एप्लीकेशन बता रहा हूं।
कि अगर आपको रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर आता है तो उसके मदद से जो सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है उस सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं उसको देखते हैं, है ना। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसके दो तरीका सीखेंगे। एक तरीका बिल्कुल कहीं पे भी इस्तेमाल कर ले और दूसरा तरीका जनरली सारे बुक में। तो हम दोनों तरीका को एक एक तरीके एक बार देखते हैं। पिछले क्लास में ने पढ़ा है कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर में। कोई दिक्कत? अगर मैं यहां पे थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को, जिसको सॉल्यूट को मैं लिख देता हूं एक्स बी, तो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को कैसे निकालूंगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। आप समझ पा रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट का निकालना है तो मुझे क्या करना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखना है अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मोल में कौन आएगा? ए यहां पे क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और बी यहां पे क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इन दोनों का सम क्या कहलाएगा? टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? सबको समझ में आ रहा है? अगर सबको समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा और इसे एलिब्रेट करूं। आपको यह भी पता है कि किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको मोल पता है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वेट में, है ना। तो इसका दूसरा फॉर्मेट में हम किसे क्या लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन ए को क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। यहां तक समझने में किसी कोई दिक्कत? हमने कुछ भी नहीं कहा नया चीज, जो कल पढ़ा उसी को थोड़ा और एलिब्रेट कर दिया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं तो अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, आप समझते हैं ना डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब? सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम है, है ना। सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम है तो उस केस में, इन सच केस, द मोल, द इन सच केस डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी कैन बी नेग्लेक्टेड। फिर से समझे मैंने क्या कहा कि अगर कोई सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, बहुत ही डाइल्यूट का मतलब कि सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम है, अगर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम है, किसके रिस्पेक्ट में कम है? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या कर सकता हूं कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को इस रिलेशन से इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है? सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है। तो उस केस में जब मैं इसे नेग्लेक्ट कर दूंगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या बन जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। क्या ये बात समझ में आया? अब यहां पे एक दिक्कत क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, या हम कितना मानेंगे कि इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कहें और उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट नहीं कहेंगे। तो इसके लिए मेरा एक पैरामीटर ये होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन शुड बी कितना होना चाहिए? लेस देन 5%। अगर आपका सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 5% से कम है तो आप उस सॉल्यूशन को क्या मान लेंगे? डाइल्यूट मान लेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन मान लेंगे। और अगर वो सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो उस केस में आप जो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को आसानी से नेग्लेक्ट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। किसी को दिक्कत? बाय मोल फ्रैक्शन? नहीं, है ना, नहीं, ऐसा नहीं। इसको देखें, एक बार देखें, इसको समझे, कहीं किसी को कोई दिक्कत तो फिर से बताया मैं। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अब इस क्वेश्चन, इस टॉपिक में डब्ल्यू बी क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट।
एमबी क्या है? वेट ऑफ, सॉरी, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और आपको क्वेश्चन में जनरली यही पूछा जाएगा, आपको डेल्टा पी की वैल्यू पता होगी, पी नॉट की वैल्यू पता होगी, डब्ल्यू बी की पता होगी और एमबी भी पता होगा, और एमबी आपसे पूछा जाएगा, बाकी सारा डाटा आपको पता होगा। तो जनरली ये एक मेथड है जिससे कि हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन इस मेथड से करने के लिए हमें दो बातें में बड़ी तकलीफ हो रही है। एक तो ये है कि यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूशन, और दूसरा हमें एक चीज को क्या करना होगा उस केस में, नेगलेक्ट करना होगा, है ना। ये दो चीजें बड़ी दिक्कत वाली बात है इस तरीके से अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इन दोनों चीजों को हम हटाते हैं और एक नई तरीके से एक नए चीज को सीखते हैं जिसमें ना ही हमें डाइल्यूशन का लफड़ा पड़ेगा और ना ही उसमें हमें किसी चीज को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। और उस मेथड से चाहे सॉल्यूशन डाइल्यूट है, चाहे सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, किसी का भी किसी भी तरीके का सॉल्यूशन का आप आसानी से मोलर मास सॉल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको देख ले, फिर हम लोग वो तरीका देखते हैं जो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड हर तरह के सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल। ठीक है, एक बार देख। चलिए अब हम लोग कर रहे हैं कि डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जर्व मास, ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। पर इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग ना ही किसी चीज को नेगलेक्ट करेंगे, है ना, और जब नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो डाइल्यूशन हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चले उसको करके देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक इक्वेशन लिखा था कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम? ये तो हमने कल भी कर रखा है। डेल्टा पी को यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मैं डेल्टा पी को कैसे लिखूंगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखेंगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। कोई दिक्कत? यहाँ पे पी नॉट क्या है और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल लगाते हैं इस इक्वेशन को लिखे, तो ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी। देख ले किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी प्लस वन। कोई दिक्कत? अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, एन ए अपॉन एन बी इक्वल टू पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस वन। इसे जरा सा सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। सही है। अब जरा सा यहां से इसको सॉल्व करते हैं, इसे क्या लिखेंगे आप बताइए, एन ए अपॉन एन बी इक्वल टू पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। इसे अगेन थोड़ा सा रीअरेंज करें तो इसे क्या लिख सकते हैं, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं,
ये वही वाला टर्म आ गया, डेल्टा पी कहते हैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू वेट ऑफ एन बी की जगह क्या लिखूंगा, वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी इनटू एन ए की जगह क्या लिखूंगा, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास, वो मोलर मास कहां चला जाएगा ऊपर। अगेन आप देखें ये वाला टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसके मदद से फिर देखें आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को मेजर कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे डेरिवेशन में हमने किसी भी चीज को नेगलेक्ट नहीं किया, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, इस पूरे डेरिवेशन में हमने किसी भी चीज को क्या किया, नेगलेक्ट नहीं किया हुआ है। समझ में आई ये बात सबको, चेक कर ले एक बार। गुड आफ्टरनून, एक बार चेक कर ले इसमें किसी को समझने में कोई दिक्कत। ऐसा लग रहा है यहाँ पे गड़बड़ हो गया, P not कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे PS आएगा, सॉरी यहाँ पे चेक करें यहाँ पे क्या होगा, इसे जब सॉल्व करेंगे तो P not से कैंसिल PS बच जाए, यहाँ पे PS आए, सही है, बाकी सब सही है। सर 11th का टॉपिक पढ़ाओगे? हाँ जी 11th का भी पढ़ा देंगे, अभी पहले ये देख लो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस आएगा, हाँ ये लिख दिया नीचे, यहाँ पी नॉट माइनस पी नॉट कैंसिल हो जाएगा पी एस आएगा, मैंने पी नॉट ही लिख दिया, मैंने रिकरेक्शन कर लिया। थैंक यू हितेंद्र, थैंक यू वेरी मच, आपने इसको नोटिस किया, थैंक यू। अब इस मेथड से आप किसी भी सॉल्यूशन का से मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट मेजर कर सकते, चाहे सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो और डाइल्यूट हो। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, मैं इसे थोड़ा मिटा के यहाँ पे लिखता हूँ, कि हमने क्या रिलेशन निकाला कि डेल्टा पी अपॉन पी एस इक्वल टू क्या निकाला, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग ये बात नोट भी कर सकते हैं, दिस रिलेशन या is used to determine the molar mass of dissolved solute in dilute as well as concentrated solution. क्लियर है ये बात? हाँ जी गौतम, बहुत अच्छे आ गए, समझ में आई ये बात, ये रिलेशन सबको समझ में आ गया कि जब भी कोई सॉल्यूशन, अब तो वो झंझट खत्म हो गया कि हमें पहले सॉल्यूशन का क्या निकालना होगा, कि ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड, वो निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को लगा के सॉल्यूशन कैसा भी हो सॉल्यूट का मोलर मास को पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है सबको? क्लियर है? चलिए अब ये तो हमने कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल। देखें आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पिछले क्लास में गौतम ने मुझसे पूछा था, वही क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। वेपर प्रेशर ऑफ
वाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज कॉन्स्टेंट. वाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज कॉन्स्टेंट एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. किसी को इसका आंसर पता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई लिक्विड का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी क्यों कांस्टेंट रहता है. अच्छा अच्छा खुशी. अच्छा 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 खुशी. गुड. चले खुशी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर. व्हाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज कांस्टेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. बताओ अमन क्या राज है इसका? कोई बता सकता है कि अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो उस केस में वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट क्यों रहता है? चलिए मैं बताता हूं क्यों रहता है. हमने कल पढ़ा था. क्या पढ़ा था? वेपर प्रेशर क्या होता है जब कोई लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम पे आ जाए. जब कोई लिक्विड और कोई गैस इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो उस वक्त जितना गैस है उसके वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? ना 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 गलत गलत ना. जब कोई लिक्विड और गैस किस स्टेट पे होते हैं? इक्विलिब्रियम पे. और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितने भी गैस प्रेशर लगाएंगे कंटेनर पे वही प्रेशर को हम लोग क्या कहते थे? वेपर प्रेशर. इसका मतलब कि जो यहाँ पे गैस का अमाउंट है वो रिलेटेड किससे है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से. सही है कि नहीं? आप बताइए अगर मैं एक कंटेनर ले लूं और इस कंटेनर में लिक्विड ले लूं, जब ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा तो एक स्टेट ऐसा आएगा, क्योंकि ये कंटेनर क्लोज है तो एक स्टेट ऐसा आएगा कि जो इसका लिक्विड है और जो इसका वेपर है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए. और जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो जितने वेपर हैं इस वक्त इस कंटेनर में मौजूद वो तो रैंडमली मूव करेंगे और दीवार से टकराएंगे, और इस टक्कर की वजह से क्या होगा? प्रेशर आएगा. और उसी प्रेशर को हम लोग क्या नाम देते हैं? हाँ ठीक है, वो तो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन है. सही है. आर्यन लिख रहे हैं सर इट इज ए कॉन्स्टेंट बिकॉज रेट ऑफ एवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. हाँ ठीक है, ये भी सही है. लेकिन एग्जैक्ट बताओ मैं क्या होता है कि जब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है तो उस रिएक्शन का हम लोग क्या मेजर करते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे रिलेटेड होता है? टेम्परेचर से. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे रिलेटेड होता है? टेम्परेचर से. इसका मतलब है अब आपने टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट है, ये नहीं बढ़ेगा ना घटेगा. अगर ये नहीं बढ़ेगा तो ये रिएक्शन ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड जाएगी, तो हर चीज क्या रहेगा? कांस्टेंट. तो आंसर इसका क्या है? इसका आंसर है कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम फेज पे होता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर से रिलेटेड होता है. अब यहाँ टेम्परेचर ही फिक्स कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा तो अमाउंट ऑफ वेपर भी चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रेशर भी चेंज नहीं होगा. आईसी तोमर क्या लिख रही है? The evaporation is equal to rate of condensation. The equilibrium constant does not change at a particular. हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर rate of condensation भी equal हो रहा है rate of evaporation का. ठीक है ये बात. और जब ये phenomena होता है तो जो liquid और gas है वो किस state में होते हैं? Equilibrium. और equilibrium किस पे depend करता है? Temperature. अब temperature constant तो equilibrium constant. अब equilibrium constant तो मतलब reaction ना forward ना backward move कर रहा है, तो ना vapor बढ़ रहा है ना liquid बढ़ रहा है. ना वेपर बढ़ेगा तो क्या होगा? जब वेपर नहीं बढ़ रहा है तो इसके वजह से वेपर प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्लियर है ये चीजें? चलिए अब जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इसको सॉल्व करने का टूल मैं आपको पहले ही बताता हूं, है ना. ये प्रॉब्लम किस पे बेस्ड है? ये प्रॉब्लम बेस्ड है रॉल्स लॉ पे. और रॉल्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा है कि पी एस इक्वल टू क्या होता है? पी नॉट इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. अब जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो आपका रॉड्स लॉ का कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा. ठीक है, देखिए
एक क्वेश्चन को देखते हैं इस पे। द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड ए इज 20 bar। If certain substance added, if certain substance added to liquid A, then the pressure reduced. The pressure reduced to 15 bar. What is a mole fraction of liquid A? जल्दी बताइए इसका आंसर। मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं, जल्दी बताइए इसका आंसर। कोई सॉल्व कर रहा है? कोई कर पाएगा इसे? चलिए मैं करता हूं। 0.75 देखते हैं। देखिए अब आपको क्या क्या पता है इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, जिसका मतलब मुझे क्या पता है, P नॉट A जो कि कितना है 20 bar। सही है। अब उसी लिक्विड में क्या क्या गया, एक सॉल्यूशन, एक लिक्विड को मिक्स किया गया, सर्टेन सब्सटेंस को मिक्स किया गया, जिसके वजह से उसका प्रेशर रिड्यूस हो गया। जिसका मतलब आप किसी लिक्विड में अगर किसी चीज को मिक्स कर दिया तो वो तो सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन का इसका मतलब ये जो 15 बार है, इट इज अ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 15 bar। सही है। अब आपको पूछा गया है कि उस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। कैसे, आप रॉड्स लॉ लगाइए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखूंगा, पी एस अपॉन पी नॉट ए। सही है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए पीएस की वैल्यू कितनी दी हुई आपको, 15 अपॉन कितना लिखूंगा 20। सॉल्व करूंगा आंसर। क्या सबका इतना ही आंसर आया भैया, समझ में आई ये चीज, सबका आंसर इतना ही है, समझ में आई ये बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस्ड है वो मैं पहले आपको समझाऊं, क्योंकि मैं आपको थ्योरी समझाना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, है ना। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है, कि अगर मैं एक सॉल्यूशन लू पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ। और दूसरा एक इक्वेशन हमने पढ़ा है कि पी ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल, ये क्या कहलाता है, डाल्टन्स लॉ। अब मैं आपको पहले ही ये बात बता दूं कि रॉड्स लॉ किसके कब इस्तेमाल होता है, जब कंपोनेंट किस फेज में हो, लिक्विड फेज में। लिक्विड फेज में कौन सा लॉ इस्तेमाल करते हैं, रॉड्स। और जब कंपोनेंट किस फेज में हो, वेपर फेज में, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, डाल्टन लॉ। अब इसी पे बेस्ड मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट को समझाता हूं एक क्वेश्चन के थ्रू। सही है, समझे। एट सर्टन टेम्परेचर,
एट सर्टन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ ईथर एंड एसीटोन आर 400 mmHg एंड 200 mmHg. If the mole fraction of ether in the solution mixture is 0.50, then find the mole fraction of ether and acetone in vapor phase. कैलकुलेट करें फिर मैं समझाता हूं. कैलकुलेट करें सब. हो गया. आर्यन हुआ, खुशी, आयुषी, जल्दी करो भैया, जल्दी करो, इतना देर नहीं, फटाफट फटाफट. उत्तम हुआ, देरी नहीं, क्वेश्चन देखो फटाफट. शर्मा जी बहुत देरी हो रहा, चले मैं करूं क्या? नहीं हुआ, गलत, इतना देर नहीं लगना चाहिए. चलिए मैं करता हूं. देखिए अब यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया हुआ है. एट सर्टन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ ईथर और एसीटोन गिवन है, सही है, और वो भी इंडिविजुअल गिवन है. ये जो है वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म ऑफ ईथर का है. ये ईथर का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर कितना है? 400 mmHg. और प्योर फॉर्म एसीटोन का वेपर प्रेशर कितना है? 200 mmHg. इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं है. अब यहां पे देखें कि आपको मिक्सचर के सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है 0.63 एंड 0.37. अच्छा देखते हैं कैसे आप लाए हैं, आप अपना देखेंगे. देखें तो ये तो क्या हो गया,
प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है। अब मिक्सचर में एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन गिवन है, किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईथर। अगर मोल फ्रैक्शन ईथर का 0.5 है तो ऑब्वियस सी बात है एसीटोन का भी कितना होगा? 0.5। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईथर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो 1 तो तभी आएगा जब दोनों कितना हो, 0.05। अब जब आपको ये पता चल गया तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि मिक्सचर में जो पार्शियल प्रेशर है ए का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? रॉड्स लॉ से। मिक्सचर में कैसे कैसे निकालेंगे? निकाल लिया सबने? कैसे निकालेंगे? 400 इंटू कितना भैया मोल फ्रैक्शन? 0.5। प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। अब ये दोनों कम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जा रहा है? ये आ जाएगा कैंसिल और ये हो जाएगा 200। सबको आया भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ, हमने ये किसका निकाला? 400 किसका था? ईथर का। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथर सबका 200 आया। दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन अगर मैं निकालूं तो इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना है? 200 और मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.5। सॉल्व किएंगे तो कितना आ जाएगा भैया? ये अगेन कितना आ गया? 100। सबका आया ये? सबका ये आ चुका है? अगर ये सबका आ चुका है तो अब मुझे क्या करना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसमें? वेपर फेज में। और मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में किसके मदद से निकाल सकते हैं? डाल्टन के मदद से। तो डाल्टन क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। तो अब पहली बात तो टोटल प्रेशर निकालने कितना हो गया? टोटल प्रेशर 200 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 300। और मोल फ्रैक्शन ए का अगर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ए का हमने कितना निकाला? 200 अपॉन टोटल प्रेशर कितना है? 300। ये क्या निकल गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ये किसका निकाला हमने? 200 किसका लिया? ईथर। और मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन अगर निकालना है तो इसका मोल कितना है? 100 अपॉन टोटल कितना प्रेशर है? इसको मैं ऐसे एक फॉर्मूला भी लिख लूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर। तो अभी हमने देखा एसीटोन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 100 और टोटल प्रेशर कितना है? 300। सॉल्व किए दोनों का क्या आ गया आंसर? सबको समझ में आया भैया? अगर समझ में आ गया तो एक बार फिर से देख लें, मैं फिर से समझाऊंगा, पहले एक बार समझे। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आर्यन, सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए आ गया तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी देखे काफी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया तो एक बार फिर से भी मैं एलिब्रेट कर देता हूं कि आपको क्या किया गया था, क्या पूछा गया था? वेपर फेज में ईथर और एसीटोन का मोल फ्रैक्शन कितना है? तो और बदले में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी कि प्योर फॉर्म में ईथर का वेपर प्रेशर और एसीटोन का वेपर प्रेशर गिवन था। मोल फ्रैक्शन भी हमने कैलकुलेट कर लिया 0.66 एंड 0.5। हाँ ठीक है। ये चीज समझ में आ गया सबको? आईसीबी, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया ये वाला? ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। अब यहां पे तो सॉल्व ही तो करना है, क्या बताना? सबने ऐसे 200 अपॉन 300 आए, 2/3 को डिवाइड कीजिए। है ना? ओके चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये कई सारे कॉन्सेप्ट का फ्यूजन का क्वेश्चन है। क्या जरूरत नहीं है अब शर्मा जी आंसर बताने का? उत्तम
कहाँ हो? कर क्यों नहीं रहा है जल्दी जल्दी? ओके चलिए, अब ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे सब लोग, ठीक है? मैं लिख रहा हूं, बेंजीन एंड टॉलिन, बेंजीन एंड टॉलिन आर मिक्स्ड टू फॉर्म ए सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू 160 एंड द वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन इज 60। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिंग अंडर गिवन कंडीशन। पहला, सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। कर सकते हैं भैया? क्वेश्चन समझ में आया सबको? हाँ, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सबको? बिल्कुल सही कह रहे हो, दोनों का सम हमेशा एक के बराबर आएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ क्वेश्चन समझ में आया कि बेंजीन एंड टॉलिन दो चीजों को मिक्स किया गया और इससे एक सॉल्यूशन बनाया गया, किस टेम्परेचर पे? 298 केल्विन। अब प्योर फॉर्म बेंजीन का कितना प्रेशर है? 160 mm, और इसका कितना है? 60 mm। कह रहा है कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन अंडर गिवन कंडीशन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे इंडिविजुअल का वेपर प्रेशर में आंसर वही आएगा, उन दोनों का सम वन के बराबर होगा। सही बात है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करें कि मैंने दो चीज को मिक्स किया और उस वक्त मिक्स करने के बाद इसका वॉल्यूम कितना रखा, मोल कितना रखा, दोनों का इक्वल। करिए, हुआ भैया? मोलर मास सबको जानना है क्या? किसी को मोलर मास जानना है? किसी को क्या बेंजीन का मोलर मास कितना होता है? बेंजीन का मोलर मास 78 और टॉलिन का 92।
हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। आयुषी ये क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो फटाक से। क्या ये क्वेश्चन हो गया? क्लू मिला इस क्वेश्चन को करने का? क्लू मिल चुका होगा। मैं बताऊं क्या क्लू मिला होगा कि आपको क्या पूछा गया है, पार्सल प्रेशर। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे तो केवल पार्सल प्रेशर लिखा हुआ है, अब यहाँ पे रॉड्स लॉस निकालिएगा या डाल्टन लॉ से? ऑब्वियस सी बात है, किससे निकालेंगे? रॉड्स लॉ से। क्यों? क्योंकि डाल्टन लॉ में वो हमेशा लिखता है कि किस फेज में है, वेपर फेज में। यहाँ लिखा नहीं है वेपर फेज में, मतलब किस फेज में? लिक्विड फेज में। और लिक्विड फेज में है तो सारी बातें किससे होती है? रॉड से होती है। क्लियर है बात? तो अब अगर मैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकालना चाहूंगा किसका? बेंजीन का। कब? जब बेंजीन और टॉलिन का मोल बराबर है। तो जब दोनों का मोल बराबर है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, बताइए बेंजीन उस केस में कितना आएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन उस केस में बताइए कितना है? कोई बता सकते हैं? अगर मैं कह रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन और टॉलिन दोनों बराबर है तो उस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, सॉरी मोल्स ऑफ बेंजीन एंड मोल्स ऑफ टॉलिन दोनों बराबर है तो उस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन कितना होगा? चलिए मैं बताता हूं। अगर मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ टॉलिन, सही है? सही है, बताइए कोई। तो कितना आएगा? नहीं तो आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्वल टू, अगर मैंने मान लिया इसे वन, तो ये वन प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा? वन बाय टू। ये कितना हो जाएगा? 0.5। तो अगर आप इक्वल मोल लेंगे दोनों का तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? 0.5। ये समझ में आया? हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा मन, सही बात बताया कि मोल फ्रैक्शन अगर मोल्स इक्वल है तो मोल फ्रैक्शन कितना आएगा दोनों का? 0.5। क्लियर है बात? चलिए जब मोल फ्रैक्शन आपको पता चल गया तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए कुछ रहा ही नहीं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्योर फॉर्म में बेंजीन का प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। प्योर फॉर्म में बेंजीन का प्रेशर कितना है? 160। तो लिखेंगे 160 इनटू 0.5। सॉल्व करेंगे आंसर कितना आएगा? सॉल्व करेंगे कितना आ गया? 80 mm। सबका आया? और टॉलिन का कितना आएगा भैया? पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन। अब ये कितना है भैया? 60 इनटू 0.5। ये कितना हो जाएगा? 10। ये आ जाएगा 30 mm। ये तो पार्शियल प्रेशर आ गया किसका? बेंजीन का और टॉलिन का। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर क्या होगा? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन। तो बताइए वो कितना हो जाएगा? 80 प्लस 30, ये कितना आ गया? 110 mm। सबका आया 110? देखिए इसको समझे कि अगर इक्वल मोल है एन बी इक्वल टू एन टी, तो इस केस का मतलब क्या है कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालूं, मैंने अगर एज्यूम किया कि ये एक मोल है तो इसका सम कितना होगा? दोनों एक एक मोल होंगे, 1/2 आ गए तो 0.5 हो जाएगा, है ना? 0.5 अगर बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ गया तो उतना ही मोल की फ्रैक्शन किसका होगा? टॉलिन का, क्योंकि उन दोनों का सम कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर। अब मोल फ्रैक्शन मिल गया तो पार्शियल प्रेशर तो इजीली निकाल लिया, और ये पार्शियल प्रेशर निकल गया तो टोटल प्रेशर निकल गया। सबको समझ में आया ये वाला चीज? सबको समझ में आया ये कंडीशन से? सबको समझ में आ गया होगा। तो चले अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब इसमें मिस्टेक ना करें, दूसरा कंडीशन है सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग
फोर मोल ऑफ बेंजीन एंड वन मोल ऑफ टॉलिन, बताइए। ये वाला होगा, कीजिए कीजिए। ये वाला तो हो जाना चाहिए, हो भी क्या होगा, क्या किया होगा इसके लिए। इस बार तो आपको मोल स्पेसिफाइज्ड है, बेंजीन का मोल कितना 4, टॉलिन का मोल कितना 1। तो अगर मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालेंगे तो 4/5, टॉलिन का निकालेंगे कितना होगा 4/5। अब हो गया, जब दोनों के मोल फ्रैक्शन मिल गए तो मैं पार्शियल प्रेशर निकाल लूंगा, बेंजीन का पार्शियल प्रेशर कितना 160 × 4/5, और टॉलिन का कितना होगा भैया 60 × 1/5। क्या सबने ऐसे निकाल लिया, सबने ऐसे किया, क्लियर है ये पॉइंट। पहले केस में मैंने क्या किया था कि दोनों के मोल को बराबर कर दिया, इस बार मैंने क्या किया, कितना आया 128 और 12, सॉल्व करके देख लें, इतना ही आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है खुशी, बिल्कुल सही सॉल्व की। समझ में आए कैसे किया हमने, इस बार सॉल्यूशन में मोल कितना डाला था हमने, मोल दोनों का स्पेसिफाइज था, तो पहले आराम से मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब तीसरे लेवल में थोड़ा सॉल्यूशन को और टफ करते हैं, तीसरा स्टेप में क्वेश्चन सेम है, थोड़ा स्टेप टफ कर लें। सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग इक्वल मास ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन, इक्वल मास ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन, इसको कौन अटेम्प्ट करेगा, शर्मा जी करके बताएं, खुशी से करके बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ, चले मैं ट्राई करूं, थोड़ा पहले मैं पानी पी लेता हूं, है ना, तब तक आप ट्राई करें। देखिए सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से कुछ नहीं होता जब तक हम उस चीजों को प्रैक्टिस नहीं करते। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल करना सबसे इजी पार्ट होता है, न्यूमेरिकल कभी भी मुश्किल नहीं होता, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान पार्ट होता है जब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। चले मैं करूं फिर एक क्वेश्चन, अभी और कराना है दो क्वेश्चन। देखिए
कितना आया? पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू 50 ऐसे केस में टॉलिन 100। थोड़ा सा डाउट है शर्मा जी, चलिए बताते हैं, देखिए इसको कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों का मास इक्वल है ना। अगर मैं ये लिख रहा हूं कि मास ऑफ बेंजीन अगर एक्स है तो मास ऑफ टॉलिन भी कितना है? एक्स ही है, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा, और मास यहां कुछ गिवन है नहीं तो मैंने मान लिया एक्स है कि नहीं। अगर ये चीज हमें पता चल गया तो अब मैं इसको यहां से सॉल्व करता हूं, इसमें और कुछ तो है नहीं ऐसा। 160 और 60 ये याद रखने वाली बात है, बाकी चीज तो ऐसा कुछ है नहीं, इसको मैं मिटा देता हूं। देख, जब आपको मास ऑफ बेंजीन नहीं पता था तो मैंने क्या किया, एक्स मान लिया, और जो टॉलिन का मास है उसे भी क्या मान लिया, एक्स ही माना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा कि इक्वल मास मिक्स कर रहे हैं, तो चलो भैया इक्वल ही मास मिक्स करते। अगर मुझे मास पता होता है तो हम लोग क्या पता कर लेते हैं आसानी से, मोल। तो मैं मोल्स ऑफ बेंजीन की अगर बात करूं तो आप बता सकते कितना होगा, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना है एक्स, और बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था भैया, 78। वेरी नाइस। तो हमें क्या पता चल गया, मोल्स ऑफ बेंजीन पता चल गया। दूसरा मुझे क्या पता करना है, मोल्स ऑफ टॉलिन। मोल्स ऑफ टॉलिन कितना होगा, एक्स अपॉन 92। मोलर मास टॉलिन का कितना होता है, 92। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है ना टॉलिन का क्या होता है, बता दूं मैं, बेंजीन का क्या होता है, रिंग होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन C6H6। और टॉलिन किसे कहते हैं, रिंग के ऊपर क्या जुड़ जाए, CH3, और इसका फॉर्मूला C6H5CH3 है ना। तो यहां से हमने इसका मास कैलकुलेट किया, मोलर मास 92, 0.45 एंड 0.54। बहुत अच्छा, ये आपने क्या निकाला, आईयूसी क्या निकाला, ये मोल फ्रैक्शन निकाला दोनों का। बहुत अच्छा, हाँ सही निकाली है, बिल्कुल परफेक्ट, यही आंसर मोल फ्रैक्शन निकलेगा। चलिए ये तो बहुत अच्छा। देखिए अगर मैं यहां से मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालूं तो कितना निकालूंगा, मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है भैया, एक्स बाय 78 अपॉन मोल्स अपॉन क्या होगा, टोटल मोल। तो बताइए टोटल मोल कितना होगा, एक्स अपॉन 78 प्लस एक्स अपॉन 92, जिसको आईसी ने सॉल्व करके कितना बताया, 0.54 इज द राइट आंसर, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा। बहुत अच्छा, उसे अगर ये चीज आपको पता चल गया तो टॉलिन को सॉल्व करने के लिए इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स बी प्लस एक्स टॉलिन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो एक्स टॉलिन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, जो कि कितना है, 1 माइनस एक्स बी की वैल्यू कितना रखूंगा, 0.54, जो कितना आएगा, कितना आया उसे, 0.46। बहुत अच्छा है ना। अब आपका तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, आपको क्या पता चल गया, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का पता चल गया और मोल फ्रैक्शन टॉलिन का पता चल गया। सबको पता चल गया मोल फ्रैक्शन, सर ये मोल ऑफ बेंजीन एंड मोल्स ऑफ टॉलिन है ये, हाँ हाँ हाँ, मोल फ्रैक्शन नॉट मोल, ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन आपने कैलकुलेट किया होगा ये दोनों को डिवाइड करके। अब अगर ये चीज पता चल गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालने का फॉर्मूला, प्योर फॉर्म में बेंजीन का वेपर प्रेशर 160 और मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.54। सॉल्व करें आंसर, टॉलिन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 60 × 0.46 आंसर। और इन दोनों आंसर को जब हम सम कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल प्रेशर हमें पता चल जाएगा। समझ में आई ये वाला, थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई, हाँ हाँ कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो समझ में आया, कॉन्सेप्ट सही लगाया, ठीक है बहुत अच्छा। ये समझ में आया सबको, आपको मैंने तीनों फॉर्मेट में बताया, पहले फॉर्मेट में क्या किया था कि मोल्स को इक्वल रखा, दूसरे फॉर्मेट में मोल्स चेंज कर दिया,
और तीसरे फॉर्मेट में मास को इक्वल कर दिया। सही है, ये तीनों फॉर्मेट से क्वेश्चन कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन का करते हैं, है ना। अब तक तो ये क्वेश्चन यहां तक तो हमने बोर्ड लेवल पे ही किया। एक आया है, कौन सा AIPMT 2010 का है, सोच के बताना है, ज्यादा एकदम नहीं हड़बड़ाहट में एकदम कि ये सर ये आंसर होगा, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चले, एक क्वेश्चन हमारे पास है, एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1.0 मोलल, 1.0 क्या है देख लें, मोलल के आई का मतलब पोटेशियम आयोडाइड, विच चेंज विल काउज इंक्रीजिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये AIPMT 2010 का। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है, पहला है एडिशन ऑफ NaCl, दूसरा है एडिशन ऑफ Na2SO4, तीसरा है एडिशन ऑफ 1 मोलल KI, और चौथा है एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ या एडिशन ऑफ वाटर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा है शर्मा जी, कौन सा आंसर सही है, आयुषी कौन सा आंसर सही है, बिल्कुल सही एडिशन ऑफ वाटर। क्यों बिल्कुल सही है एडिशन ऑफ वाटर, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कब इंक्रीज हो सकता है, जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को क्या करें, इंक्रीज करें। अब ये एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस, नो 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 नो, गलत 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 गलत, हाँ डी सही आंसर है। अब ये एक्वस सॉल्यूशन है तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो आप वाटर का जब बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बढ़ेगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बढ़ेगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ेगा। हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही, तो आंसर क्या है डी। सबको समझ में आया ये वाला, सबको ये क्वेश्चन समझ में आया, हाँ वेरी नाइस उत्तम, डी होगा, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे, डी ही आंसर आएगा। अब आप लोग एक काम करा करें, सब लोग इस तरह से इकट्ठा होकर पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। ये बात मैं कितने दिनों से सबको पर्सनली भी कह रहा हूँ और लाइव भी आज कह रहा हूँ, है ना। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप इंडिविजुअली फ़ोन करते हैं, सर ऐसे व्हाट्सएप पे पढ़ा दो, ऐसे कर लो, अब लाइव हो जाओ, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। अब मैं पर्टिकुलर टाइम 1 बजे ही लाइव हुआ करूँगा रोज, ये आपकी ड्यूटी है, आप टाइम पे आइए और लाइव में जो भी चीज़ें दिक्कत हो आराम से पूछिए, है ना। पर्सनली डील करना थोड़ा सा मेरे लिए भी टफ हो जाता है, मुझे भी बहुत सारा काम होता है अभी,
ठीक है, तो कोशिश करें आप बिल्कुल लाइव आने का, लाइव पे ही हम लोग आराम से स्टडी करेंगे, है ना, जितना टाइम लगेगा खूब टाइम लेके करेंगे, अभी कुछ काम तो है नहीं वैसा, है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर लेवल से चीजों को कंप्लीट करूँ। सर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज भी इन इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, सर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज भी इन इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, कंसंट्रेशन, हाँ, ये कंसंट्रेशन भी डिक्रीज, समझ में नहीं आया, उसे फिर से लिख के बताना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये क्वेश्चन करके उसके बाद हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, अब ये सारा क्वेश्चन हमने किस पे क्लियर करा रहा हूं मैं आपको, कि रॉल्स लॉ पे और वेपर प्रेशर से, है ना। और कल हम लोग किस पे करेंगे, प्रॉब्लम रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल ही थियरी का, है ना, आगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वगैरह वगैरह, ऑस्मोसिस वगैरह, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन ये है कि द वेपर प्रेशर ऑफ एन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एन ब्यूटेन एंड एन पेंटेन इज 300 mm एंड 150 mm। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये देने के बाद, पहला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल प्रेशर, फाइंड द टोटल प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% एन ब्यूटेन एंड 60% एन पेंटिन। पहला तो ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ब्यूटेन इन द सॉल्यूशन एक्सर्टिंग ए टोटल प्रेशर ऑफ 760 mm। एंड थर्ड वन, व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ एवर ऑफ एन ब्यूटेन एंड एन पेंटीन इन वेपर फिल्म। सही है, तीन क्वेश्चन है आपके पास। अब देखें तीनों क्वेश्चन करने का आपको, देखिए एक बार देख ले क्या ये क्वेश्चन हो सकता है, सबसे एक बार पढ़े, चलिए मैं आपको समझाता हूं एक बार, कि यहां पे आपको क्या दिया है, प्योर फॉर्म का प्रेशर गिवन है पहले वाले। अब पहले वाले में क्या कह रहा है कि 40% एन ब्यूटेन है और 60% एन पेंटेन, तो इसका 40% का मतलब तो पता है कि पूरे मिक्सचर में एन ब्यूटेन कितना है, 40 ग्राम, और एन पेंटेन कितना है, 60 ग्राम। अब वेट पता चल गया तो मोल पता चल गया, मोल पता चल गया तो मोल फ्रैक्शन पता चल गया, मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो क्या पता चल जाएगा, दोनों का पार्शियल प्रेशर, कैसे, रॉड्स लॉ से दोनों का पार्शियल प्रेशर अगर आपने निकाल लिया तो जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है,
नेक्स्ट वाले में क्या करना है कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है एंड ब्यूटेन का निकालना है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, टोटल प्रेशर चेंज कर दिया कितना 760। तो जब 760 टोटल प्रेशर रहा होगा उस वक्त मोल फ्रैक्शन भी एन ब्यूटेन का और एन पेंटेन का अलग अलग होगा। अब इतने प्रेशर पे कितना है एन ब्यूटेन और कितना है, कितना मोल फ्रैक्शन एन पेंटेन का हमें नहीं पता। और जब हमें नहीं पता है तो मैथमेटिक्स ने हमें एक चीज दे रखा है, क्या कर लें, मान लें एक्स। हमने भी यहाँ पे क्या किया कि जब क्वेश्चन में इस प्रेशर पे हमें इसका मोल फ्रैक्शन नहीं गिवन है तो मैंने क्या मान लिया कि एन ब्यूटेन का मोल कितना है, मोल फ्रैक्शन कितना है एक्स। अगर एन ब्यूटेन का एक्स है तो एन पेंटेन का कितना होगा, 1 - x, है ना। अब जब दोनों का मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो यहाँ से सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, यहाँ से सॉल्व करके दोनों का पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे, क्वेश्चन खत्म। और तीसरे वाले में क्या है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ब्यूटेन। अब ये डाल्टन लॉ लगा के यहां से निकाल लेंगे, निकालो खुद, मैं निकालू कि तुम निकालोगे, मैं निकालू या तुम निकालोगे, बताओ अमन, निकाल दूं अभी। मैं निकालूं सर मोलर मास, किसका मोलर मास, हितेंद्र, सॉरी हितेंद्र खुशी मैं भूल जाता, खुशी खुशी चेंज कर ले नाम उसका, हितेंद्र सिंह की जगह खुशी लिख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसका मोलर मास चाहिए तुमको, एन ब्यूटेन का और एन पेंटेन का निकाल लेना। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब सारे कार्बन कैसे जुड़े हुए स्ट्रेट चेन में, है ना, उसका मोलर मास। अब ये सब निकालना सीख, है ना, हर चीज निकाल के देना के बाद फिर तो चीजें आसान पड़ हो जाएगी, है ना। चलिए आपके लिए ये रहा होमवर्क आज, कल हम लोग इसी को सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। और कल का नया टॉपिक भी मैं बता दूं आपको, क्या बताने वाला हूँ कल का, रॉड्स लॉ से आगे जो हम लोग टॉपिक है वो क्या है, पहले तो कुछ क्वेश्चन और किससे करेंगे, आरएलवीपी पे, आरएलवीपी पे हमने कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया। मी खुशी को कोई नहीं कह रहा था, हाँ हाँ मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, है ना। कल हम लोग आरएलवीपी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फिर इससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे मेजर टॉपिक जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें 3-4 प्रॉपर्टी पढ़ना है, कौन कौन सा, एक तो पढ़ना है जो एक तो हमने पढ़ा, कौन सा, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ कल कल इसको निकाल के आप लोग रखेंगे, है ना, तो कल फिर मिलते हैं सेम टाइम, है ना। तब तक इन सब चीजों को सॉल्व करें, वीडियो को बार बार देखो अगर समझ में नहीं आए, उत्तम अगर समझ में ना आए कोई भी चीज तो बार बार वीडियो देखो, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।